हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देख लिए, मेरे सामने सी आर टी टी वी की किट रखी हुई है बोर्ड। तो ये हमारी नॉर्मली किट है, जो कि हमारी नॉर्मल किट में बोर्ड में लग जा उसमें टी वी में लग जाती है। ये अल्ट्रा स्लिम की नहीं है, या अल्ट्रा स्लिम भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें समस्या क्या है कि इसमें सारी सप्लाई ओके है, बट इसमें फिर भी 110 वगैरह और 25 वोल्ट हमारी पावर जो भी है हमारी नहीं निकल रही, सभी चीज़ होने के बावजूद भी। उसमें क्या है, कब कोई हमारी ड्राइवर आईसी ख़राब है और ये हमारी नहीं मिल पा रही। अगर आपकी मिल भी जाती है तो लोकल मिलेगी आपको 90 से 120-130 रुपए की मिल सकती है। उसके बाद हमारा इसमें ये वाला भी ख़राब है, ये 2N16 है, ये आपको मिलता है करीब करीब आपको 70-80 रुपए का मिल जाएगा। यानी कि भाई ये आपका 200-250 रुपए खर्च भी हो जाएंगे, फिर भी आपकी चली ना भी चली तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। तो आप सबसे सिंपल तरीका, आप सारी चीज़ यहाँ से निकाल दें, छोटी बड़ी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, इसमें आपने चाइना में बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर सप्लाई बिल्कुल भी डेड हो, बिल्कुल उसमें आग भी लग रही हो, तब भी उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे बस ब्रिज डायोड बना लेना है, ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है कम्प्लीटली, और ये कैपेसिटर ठीक होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे चाहिए सब कुछ जल चुका है, जब भी आप कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में मैंने दोस्तों ये बताया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाला है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ, मैंने इसमें देख लीजिए पावर दी हुई है। तो पावर मैं एक बार इसमें सीरीज बोर्ड में लगा देता हूँ इसको। तो मैंने सीरीज बोर्ड में लगाया इसको यहाँ पे, अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट किया और देख लीजिए, थोड़ा इसको यहाँ पे अच्छे से पकड़ता हूँ। तो देख लीजिए 251 वोल्ट, मतलब 250 वोल्ट आ रही है, मेन कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रही है, बट हमारी यहाँ पे 110 वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे 110 मिलती है आपको। थोड़ा सा एक बार मैं वीडियो को जूम कर देता हूँ कैमरे को, तो देख लीजिए हमारे यहाँ पे 110 आती है, मतलब 110 वोल्टेज यहाँ पे मिलती है मेन कैपेसिटर पे। यहाँ हमारी 12 कुछ सभी वोल्टेज हमारे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले तो हम इसको ग्राउंड पे लगाएंगे, ग्राउंड हमारी यही है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ लगाया, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ लगाया, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ भी कोई वोल्ट नहीं, और हमें यहाँ भी कोई वोल्ट नहीं, और यहाँ भी ना हमारी वर्टिकल की नहीं, कोई वोल्टेज हमारी नहीं बननी, पर हमारे यहाँ की सभी चीज़ ओके हैं, फिर भी हमारी कोई वोल्टेज बनी। आपको सब चीज़ छोड़ के आपको कम्प्लीटली यहाँ से इसको पहले तो हटा लेना होगा पावर में से, एक चिमटी ले लेनी है, निगेटिव पे रख के आप इसकी वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। आपको करंट ख़त्म कर लेना है, वरना आपको बहुत कड़ा झटका लग सकता है, ये मैंने चीज़ आपको बताई है, कोई नहीं बताएगा। तो आप भी टीवी ठीक करते हैं तो आप सबसे पहले इसका पेज खोल लीजिए। हमें इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें ये वाली सप्लाई इसमें लगानी है, ये आपको सिर्फ 80 से 90 रुपए की मिल जाएगी आपके इधर। ये कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, बहुत अच्छी सप्लाई लगी मुझे। कहीं आपको इमरजेंसी में करना हो काम तो ये बहुत बेहतरीन है आपके लिए, मतलब ये कहीं आप इमरजेंसी में हो और आपको करना ही करना है तो इसमें दो तार लगाने हैं, बस कुछ नहीं करना। जो ये माइनस वाला देख रहे हैं आप, ये ब्लैक वाला, ये आपके कैपेसिटर के माइनस पे लगा देना है, और ये जो हमारा है ये ड्राइवर से जो वोल्टेज हमारी देंगे गेट से जो, वो इसके लिए है यहाँ पे हमारा इस थोड़ा मैं देख लीजिए, ये यहाँ से जो आ रहा है बीच वाला पॉइंट, इस वाले पर दे देंगे, ये हमारा प्लस वाला, ये हरे वाला हम खाली रहने देंगे, अर्थिंग का इसको नहीं लगाना है। तो हम अभी इसको आपको लगा के दिखाएंगे कैसे करना है सब। तो सबसे पहले मैं इसको ड्राई सोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से हटा लेता हूँ, और इसको भी आईसी को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, और फिर हमारा ऑक्टो कपलर का भी यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा, प्रीसेट वगैरह सब का काम हट जाएगा, सिर्फ हमारी ये काम करेगी, और ये बिल्कुल जेन्युइन करता है काम, मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, आपको भी ऐसे लगा लेना। मैं लगाने का इसका तरीका बता देता हूँ पहले आपको, तो मैं ये चीज़ खोल लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने निकाल दी है आईसी, और ये हमारा मॉस्फेट, ये 2N16 है, तो ये काफ़ी हमारा महंगा भी आता है, इतने की हमारी पूरी SMPI वाली सप्लाई ही आ जाती है। तो हमें ये सब कुछ एक तरफ रख देना है, अब हमारे नज़रों में ये कबाड़ है, ये ख़राब है। तो इसको हमें कैसे लगा लेना है, पहले तो ये देख लीजिए बिल्कुल न्यू है, इसकी वायर खोल लेता हूँ, यहाँ पे एक वायर बंधी हुई है। तो ये हमें इसमें एक चीज़ दी हुई होता है वो थोड़ा ये रही, हाँ, तो ये हमारे इसमें हीट कंपाउंडर के काम करता है। तो इसको यहाँ से पेच को खोल लेंगे, सब इसके साथ दिया हुआ है,
फिर आपके कोई भी सप्लाई रिपेयर नहीं हो पा रही तो आप इसे आसानी से लगा दें। बस एसटीआर में सप्लाई में थोड़ा चेंज है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ये टानिस्टर, मॉसफिट और जितने भी यहाँ पे तीन टांग के लगे हुए हैं, आप तीन टांग देसी भाषा समझिए, यहाँ जितने तीन टांग के हैं उस पर यह सप्लाई बहुत अच्छे से वर्क करेगी। सिर्फ आपको दो तार लगाने हैं, रेड वाला और ब्लैक वाला। तो मुझे कैसे लगाने हैं, तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पेच कस के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी ये कस दिया है, तो ये कुछ इस तरह से आपको कस देना है। नॉर्मली आप इसके सिर्फ ये दो वायर लीजिए, हरे वाला छोड़ दीजिए, आप इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ दो लेने हैं, तो दो लेने हैं जो कैपेसिटर का आपका निगेटिव है, मतलब माइनस की तरफ है, इधर की तरफ। तो इस पर हमारा कौन सा लगाना है, ब्लैक वाला वायर, ये वाला जो आप देख रहे हैं। ठीक है, हमने ब्लैक वाला वायर लगाया, ठीक है, ये लग चुका। जो हमारा रेड वाला वायर था, ये वाला हमारा, इसके जो हमारे यहाँ से देख लीजिए, ये ड्राइवर से जा रहा है, बीच वाला पॉइंट जो है इसका, मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो, तो इस पर हम ये रेड वाला वायर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये वाला वायर हम इस पर लगा देंगे आराम से। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस मैंने इस तरह से ये लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अब चेक कर लेनी है ये कम्प्लीटली। मैं इसको ईएसटी कैप को थोड़ा परे कर लेता हूँ, और ये हमारा पावर कोड, मैं इसका लगा के देखता हूँ। ये मैंने सीरीज बोर्ड में लगाना है सबसे शुरू में आपको आराम से। तो मैं इसको अब यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करूँगा इसकी, तो मैं इसके यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करता हूँ। ग्राउंड का ग्राउंड पे लगा देना है, और फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी थोड़ा सही से लगाता हूँ, तो देख लीजिए 122 तेज बननी है। हम इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसमें प्रीसेट दिया हुआ है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे कैसे, एक बारीक पेचकस लेंगे और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कर देखना है आपको। एक यहाँ पे आपको प्रीसेट नज़र आ रहा है ये वाला, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब उल्टा थोड़ा सा हल्का सा घुमा देना है, ठीक है। और फिर हम इसको अब एक दोबारा से चेक करेंगे, तो देख लीजिए 114 वोल्ट आ रही है, मतलब हमारी ओके है। और यहाँ पे दूसरी देखते हैं, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारी यहाँ पे SMPS सप्लाई ओके हो चुकी और हमारी HTV ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम आप इसमें कोई भी SMPS सप्लाई लगा सकते हैं। अगर आपकी SMPS पूरी भी जल चुकी है, सिर्फ आपको ब्रिज ओके होना चाहिए और कैपेसिटर ओके होना चाहिए, बस ये चीज़ आप ठीक कर लो। ये आपकी डिब्बी आती है 90 रुपये की, ये कुछ इस तरह के इसमें पैकिंग में आती है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आपसे कहीं पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अर्जेंट में कोई भी TV रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनाने का इसका पर्पज़ यही था कि कोई भी SMPS सप्लाई हो TV की, CRT TV की, वो आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही अलझेड़ा लग रहा है, तो मैंने ये सोल्यूशन आपकी समस्या का समाधान कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।